नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं एलर्जी, एलर्जी के कारण, लक्षण और उसके घरेलू उपचार। किसी व्यक्ति को किसी तरह के भोजन से या प्रदूषण के कारण जब शरीर में दाने आदि निकल आते हैं या उसके शरीर में सूजन पैदा हो जाती है तो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारण शरीर पर होने वाली आम प्रतिक्रिया इस प्रकार है, जैसे अस्थमा, राइनाइटिस, एक्जिमा, शरीर पर दाग धब्बे निकल जाना, माइग्रेन, पाचन संबंधी विकार आदि। सांसों के जरिए बहुत से बारीक कण हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। प्रतिरोधक शक्ति के चलते जीवाणु संक्रमण से तो हम बच जाते हैं, लेकिन विषाणु संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत खतरनाक होता है। हवा में एलर्जेन या रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो सांस के रोग को जन्म दे सकते हैं। नाक, गला या फेफड़ों में सूजन व गर्मी, दमा या ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। ये लंबे समय तक होने पर फेफड़ों को हानि पहुंचा सकते हैं। किसी भी पदार्थ जिनके कारणों से एलर्जी हो उन्हें एलर्जेन कहते हैं। ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। परागकणों से लेकर अंडों के प्रोटीन तक एलर्जेन का काम करते हैं। किसी भी रसायन से एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल, पौधे या घास के परागकण, भोजन, अंडा, बिल्ली या कुत्ते के बाल आदि। जो ये एलर्जेन या परागकण नाक के संपर्क में आते हैं छींक आनी शुरू हो जाती है। इससे बुखार, सर्दी व नाक में सूजन, खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, ठंड लगना, सिर दर्द, कान दर्द, त्वचा रोग, खुजली आदि हो सकते हैं। एलर्जी दूर करने में घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी कारगर होते हैं, इसलिए आज हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं अपने वीडियो में। एलर्जी होने के कारण। एलर्जी का रोग होने का मुख्य कारण वह भोजन होता है जो हम खाते हैं। यह भोजन कुछ व्यक्तियों के लिए संतुलित, पौष्टिक और अच्छा हो सकता है, लेकिन वही भोजन दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर हर चीज पचा नहीं पाता, जिसके कारण उस भोजन को खाकर हमारा शरीर काफ़ी हद तक दुखी पाता है या किसी भी प्रकार से उसे कष्ट होता है, जिसके कारण उस भोजन को खाकर हमारे शरीर पर उल्टा असर पड़ता है और हम एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। यह रोग ज़्यादा नमक खाने से, खटाई खाकर यात्रा करने पर, शरीर पर मिट्टी लगने से, अधिक सोडे वाले साबुन का प्रयोग करने से, बीमारी के हालत में अधिक मैथुन करने से, हाथी, घोड़े आदि की सवारी करने पर हो जाता है। ऊंचाई के कारण शरीर में वायु प्रवेश हो जाती है, जिसकी वजह से भी शरीर में एलर्जी या शोध यानी सूजन का रोग हो जाता है। यह रोग उन स्त्री पुरुषों को अधिक होता है जिनकी त्वचा अधिक नाजुक तथा मुलायम होती है। एलर्जी होने के लक्षण। एलर्जी के रोग में अक्सर त्वचा सूख जाती है और नसें कमजोर पड़ जाती है। रोगी की त्वचा का रंग बदल जाता है तथा उसका शरीर सूज कर भारी हो जाता है। दिल में बेचैनी सी होती है और त्वचा में खुजली मचती है। रोगी को गर्मी अधिक लगती है। इसके अलावा एलर्जी से ग्रस्त रोगी को बार बार प्यास लगना, खाने में कुछ अच्छा न लगना और वमन यानी उल्टी आदि की शिकायत हो जाती है। एलर्जी से बचाव। बचाव ही एलर्जी दूर करने और उससे निपटने का सबसे उत्तम तरीका है। रासायनिक प्रदूषण से बचे। पालतू जानवरों से यदि एलर्जी हो तो उन्हें घर से बाहर रखें। कागज, कपड़ों व खिलौनों के चलते भी एलर्जेन व रसायन कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें शयन कक्ष में ना रखें। कुछ भी खाने के पहले गर्म पानी व साबुन से हाथ धो लें। घर के भीतर शुद्ध हवा आने दें। सफाई रखें। चादर, तकिया, रजाई आदि खोल, कंबल, पर्दे आदि को समय समय पर गर्म पानी से धोएं। कारपेट को भी सप्ताह में एक दो बार वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दें। जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे दूर रहें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुंह व नाक को कपड़े से ढकें और आँखों पर अच्छी गुणवत्ता का चश्मा पहनें। घर के आसपास सफाई रखें। ठंडी गर्म चीज़ों से बचें। मुख्य रूप से नाक व त्वचा की एलर्जी बार बार हो सकती है। एलर्जी के लिए घरेलू उपचार। आंवला, सीतोपलादि पाउडर व गिलोय। नाक में बार बार एलर्जी होने पर सुबह खाली पेट एक चम्मच गिलोय, दो चम्मच आंवले का रस व एक चम्मच शहद मिलाकर नियमित सेवन करें। इसके अलावा सीतोपलादि पाउडर व गिलोय पाउडर एक एक ग्राम सुबह शाम खाली पेट मधु के साथ लेने से आराम मिलता है। नीम और काली मिर्च। त्वचा की एलर्जी होने पर माघ फागुन में जब नीम की नई कोपले निकले तो 5-7 कोपले व 2-3 काली मिर्च एक साथ चबाकर खाएं। यह प्रयोग
कम से कम 3 सप्ताह तक करें। त्वचा की एलर्जी पुनः नहीं होगी। यह प्रयोग हर वर्ष करना चाहिए। करेला, शरीर में जहां हर प्रकार से आपको तकलीफ हो रही हो, सूजन आई हो, वहां पर करेले का रस मलने से आराम मिलता है। करेले में जरा सा नमक मिलाकर सेवन करेंगे तो आपको लाभ होगा। सौंठ, 2 चुटकी सौंठ के चून को करेले के रस में मिलाकर खाने से एलर्जी के रोग में पूरा लाभ होता है। नारियल, शरीर पर नारियल या तिल्ली के तेल की मालिश करने से एलर्जी के रोग में राहत प्राप्त होती है। तरबूज, गर्मियों के मौसम में तरबूज के रस में काला नमक डालकर खाने से एलर्जी के रोग में बहुत फायदा होता है। आलू, शरीर में जहाँ एलर्जी हो उस स्थान पर कच्चे आलू का रस लगाने से लाभ होता है। मेथी, मेथी की पत्तियों को पीसकर एलर्जी वाले स्थान पर लगाने से लाभ होता है। अनानास, अनानास का रस एलर्जी वाले स्थान पर लगाने और पीने से एलर्जी ठीक हो जाती है। सीताफल, सीताफल के बीजों को पीसकर शहद के साथ सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय चाटने से एलर्जी के रोग में राहत मिलती है। मटर, मटर को पानी में उबालकर उसके दानों को निकालकर फेंक दे, फिर उस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पूरे शरीर को साफ करने से एलर्जी रोग में राहत मिलती है। मेहंदी, रात को सोने से पहले 1 गिलास साफ पानी में 100 ग्राम मेहंदी के सूखे पत्ते भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पीने से शरीर में शीतलता के साथ साथ खून भी साफ हो जाता है। इस पानी का सेवन करने से विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एलर्जी वाले रोगियों के लिए यह बड़ी गुणकारी औषधि है। अदरक, 1 चम्मच अदरक के रस में 4 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर खाने से एलर्जी का रोग दूर हो जाता है। अदरक के रस में थोड़ा सा जीरा या पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से एलर्जी रोग में राहत मिलती है। एलर्जी रोग में भोजन और परहेज, एलर्जी के रोग में हमेशा ताजा और हल्का भोजन करें और नमक कम मात्रा में सेवन करें। एलर्जी के रोग में जब हालात में सुधार होने लग जाए और रोगों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाए, तब आलू, रसदार फल, गिरीदार फल, दही खाना शुरू करें और दूध के स्थान पर धीरे धीरे सोयाबीन का दूध लेना शुरू कर दें। भोजन में एक बार ही परिवर्तन करें और किसी तरह की प्रतिक्रिया होने पर इस भोजन को 2-3 दिन तक रोक दें और खाने में हल्की चीज़ें और भोजन में दूसरी चीज़ें शामिल करें। एलर्जी के रोग में 3-4 दिनों से लेकर 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे अपने सामान्य भोजन पर लौट आना चाहिए। एलर्जी के रोग में भोजन करने के बाद बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एलर्जी के रोग में धूम्रपान और शराब पीना बंद कर देना चाहिए। एलर्जी के रोग में भोजन में किसी तरह की चीज़ों की मिलावट नहीं रखनी चाहिए। एलर्जी के रोग से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पुराने रखे हुए और डिब्बे में बंद चीज़ों का सेवन ना करें। एलर्जी के रोग में मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग ना करें। कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट जैसे पीने वाले पदार्थों का सेवन एलर्जी के रोगों में नहीं करना चाहिए। एलर्जी के रोग में शहद, चीनी और शरबत इत्यादि को आप अपने रोजाना के भोजन में शामिल ना करें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।